मैं हूं शकील खान और आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी। आइए नजर डालते हैं ताजा समाचार पर। मुखिया जी कह रहे हैं चोर है, चलिए और जनता से लाइव लेंगे, इनका क्या कहना है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? बलवीर कुमार। बलवीर जी, एक चीज हमें बताइए, है काफी समस्या रोड की है, नाला की है, और सात निश्चय योजना के तहत काम नहीं हुआ आपके पंचायत में। बार बार मेरे यहाँ टीम सर्वे कर रही है और मुखिया जी दावा कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कोई काम नहीं हुआ। वो अपने आप से मतलब कहते हैं, वो अपने आप से रखते हैं दावादारी, मतलब बड़े बड़े आदमी को पावर रखते हैं, मतलब मुखिया की सबसे नहीं है, क्योंकि मुखिया के जनता का मान और सम्मान देने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। और तो आप लोगों से कहना क्या है, सामने ये जो है सामने दिख रहा है, मेरे पास कांड हुआ था, घर में आग लग गया था, उस किसका कांड है? मुखिया का। मुखिया अगर से वहाँ हमको बुलाए, ब्लॉक में गए, उनको हम प्रणाम किए, वहाँ ले गए, हमको एक बार में आगे भाव पूछो नहीं, सलाम भी नहीं बुलाया, और वो अपना मतलब वहाँ से चल दिए, दूसरे आदमी से बताया हमसे। एक चीज बताइए, आपका सारे 2021 का जो पंचायती चुनाव है और आने वाला है, और आप फैक्टर क्या रहेगा आपका? आपका फैक्टर हमारा रहेगा एक नंबर, अबू बकर मोती के माला, एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, वही जीतेंगे 100% विकास करने वाला आदमी है जो है। देखिए, कोरोना काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है घर घर जाकर मान के चलिए इलाज चाहे कुछ भी कराया, जिसका नाम है अबू बकर, अभी हम खड़ा है, वो मेरा भाई नहीं है, मेरा जात नहीं है, और जो हमको दिलाया। चलिए, यहाँ साफ तौर पे हर जाति, हर धर्म का, हर मजहब के लोग यहाँ साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब्दुल बकर जी एक ऐसे समाज से भी इनके पंचायत के उभर के आए हैं कि जो चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने से पहले भी समाज सेवा किए हैं और समाज सेवा करते आ रहे हैं और समाज सेवा जीतने के बाद भी करेंगे, और इनसे काफी उम्मीद है यहाँ के जनता का। और मेरे साथ जनता जुड़े हुए हैं, इनसे लाइव लेंगे, एक युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवा का क्या फैक्टर रहेगा? भाई आपका नाम क्या हुआ? बाहर क्या है? चलिए, यहाँ एक युवा साथी, युवा साथी से हम जानना चाहते हैं इस क्षेत्र में कैसे विकास किसका जरूरी है, क्या नाम हुआ आपका? तो एक चीज बताइए सर, 2021 का चुनाव आने वाला, पंचायत चुनाव, काफी आदमी का भरोसा रहता है कि मेरे पंचायत में अच्छे प्रतिनिधि आवे और विकास करे, क्या उम्मीद लेके आप लोग 2021 का वोट करने जा रहे हैं? तो सर एक चीज हमें बताइए, आपने जो अब्दुल बकर का नाम ले रहे हैं, अब्दुल बकर जी कुछ ऐसे समाज सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं जो अब्दुल बकर का आप समर्थन दे चुके दे रहे हैं? बाकी जितने कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं सबका रिजल्ट सर, एक चीज बताइए, आपके यहाँ काफी समस्या है रोड की, शिक्षा की, और गली गली योजना का काफी समस्या है, और समस्या का निदान करने के लिए अब्दुल बकर जी आएंगे तो जो साथ निभाएंगे और साथ निभाएंगे, बहुत किए हैं जनता का सेवा, जो है बहुत किए हैं जनता का सेवा करेंगे, यही से वो पीछे हटने वाले हैं। चलिए, यहाँ का जनता का काफी रुझान आ रहा है। न मुखिया न वार्ड, साला खम्मा गिरा दिया ट्रक वाला, खम्मा गिरा दिया, अपना पैसा के बनाए, फिर बक्कर जी को वहाँ फोन किए, बक्कर जी यहाँ से खम्मा वहाँ तक ले दिए जोर की, फिर बक्कर जी लगाए अभी सभा वहाँ तक। एक चीज बताइए, आप कौन ऐसे प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लाएंगे जो विकास करेंगे? विकास करेंगे बक्कर भाई जैसा हो और राजा बली जैसा हो, राजा बली दुनिया में वो हो या राजा बली वो आदमी हो, ऐसा होना चाहिए, दो जुहार नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं बक्कर जी और राजा बली जैसे पूर्व जैसे हो जाएंगे तो ये काम जैसे होगा तो अब तो बात खत्म है, विकास होगा, जैसे होगा तो विकास होगा। यहाँ ग्रामीण का साफ तौर पे कहना है कि मेरे क्षेत्र में बदलाव और परिवर्तन होना जरूरी है, अब परिवर्तन होगा तो ही विकास होगा, यहाँ जो पूर्व पर वार्ड मेंबर थे वो विकास नहीं किए हैं, यहाँ लोग का कहना साफ तौर पे कहना है कि मेरे तहत योजना का तहत कोई भी काम नहीं हुआ है, गली नली योजना का काम नहीं हुआ है, सात नीचे योजना का, जल नल का काम नहीं हुआ है, इनके क्षेत्र में साफ तौर पे कहना है कि नल का पाइप लगा हुआ है मगर जल नहीं है। चलिए, और मेरे साथ ग्रामीण कहना चाहते हैं, आपका नाम क्या हुआ?
चलिए आपका नाम क्या हुआ? सात निश्चय योजना के तहत आपके काम वार्ड में काम कोई विकास कार्य हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। विकास करने के लिए उसको बोलता है तो गाली बनता है जनता को, जनता का गाली बोलता है, गाली बनता है जनता को जो अपना वोट बांध में रख ले, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। तो दबंग वार्ड मेंबर होगा? हाँ दबंग है, दम दबंग है। हाँ एकदम। तो आपका साफ तौर पे क्या कहना है? कहना है बदला है हमारी राजबलिया को, एकदम जीत है, पक्की जीत है, जीत है। हाँ एकदम जीत है। तो राजबलि जी आप जो कह रहे हैं जिनका नाम, तो राजबलि जी फिर पुराने जैसे हो जाएंगे कहेंगे? नहीं होगा, ईमानदार लोग है, ये जनता को सेवा करने में हर वक्त तैयार रहने वाले लोग है, बीच रोड पर तैयार एकदम रहने वाले, जनता इसको पूरा चाह रहे हैं, पूरा एकदम मन से चाह रहे हैं जनता, और उसका अपनी बदलाव है। पानी टंकी में एक बूंद पानी कभी नहीं आया, जीवन में नहीं आया, पानी टंकी लगवा लिया लेकिन ऊपर से टंकी लगा हुआ है और किसी को पास पानी अभी तक पहुंचा नहीं है, पानी लिए बोलता है तो नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको साफ तौर पे कहना है कि राजबली जी जो पुराने प्रत्याशी थे वो खोज करेंगे, जो भी योजना नहीं हुआ है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? हाँ पूरा खत्म कर देंगे, राजबली राय पूरा खत्म कर देंगे। चलिए मैं अब यहाँ वार्ड मेंबर का विधायक लाइव ले रहे थे और इनका साफ तौर पे कहना है, यहाँ का जो ग्रामीण है इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे क्षेत्र में बदलाव 100% जरूरी है। कैमरामैन सुधाकर के साथ जय हिंद जय भारत।